पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प पे। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, माय डियर मॉम्स, आज मैं आपको जो वीडियो में बताने वाली हूँ वो स्पेशली मॉम्स के लिए है। जी हाँ, आपके लिए है, क्योंकि देखिए बच्चों की केयर के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मदर की केयर भी करना, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो माँ की केयर करने वाला कोई नहीं होता, उसमें सिर्फ माँ को अपना ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ पर माँ, जो माँ अकेली होती है, जहाँ पर इन लॉज नहीं है, न्यूक्लियर रह रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में एक प्रेग्नेंट लेडी को आफ्टर डिलीवरी में, जब उसके बच्चे का जन्म हो जाए, तो जन्म होने के बाद कुछ ऐसी ज़रूरी बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है जो कि आपको कोई नहीं बताने वाला। जो अगर घर में बड़ी लेडीज़ होती हैं, बड़ी बूढ़ी जो हमारी दादी नानी होती है, वही हमको सजेस्ट कर सकती हैं। वो है कि हमें जब हमारा डिलीवरी हो जाए, हमारे बच्चे का जन्म हो जाए, तो उसके बाद एक महीना या सवा महीना या उसको आप बोलते हैं 40 दिन का जो परहेज होता है किसी भी चीज़ को लेकर, मीन्स इस टाइम हमें किन किन बातों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, हमें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि इस टाइम हम बहुत ज़्यादा फिजिकली, मेंटली हर तरीके से वीक होती हैं, तो कुछ बातें आपको जानना ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो डिलीवरी के बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि फुली टाइम, हो सकता है 40 दिन तो आपको ये करना ही करना है, लेकिन अगर हो सकता है, अगर सर्दियों का दिन है, तो आप कंप्लीट 6 मंथ तक गर्म पानी पिए। 6 मंथ तक गर्म पानी मतलब बहुत खौलता हुआ नहीं, हल्का बॉयल वाटर जो कि आप आराम से पी सकती हैं। गर्मियां हैं तो आप 40 दिन तक तो आपको पीना ही पीना है, उसके बाद आप सादा पानी पिए। लेकिन ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर आप ठंडा पानी पियोगे तो ये आपके यूटेरस में स्वेलिंग ला सकता है, साथ ही साथ आपकी पूरी बॉडी में भी ये स्वेलिंग ला देगा। इसलिए ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। 40 दिन तक तो आपको पीना ही पीना है, कोशिश करें अजवाइन डालकर आप पानी पिएं, ये आपके अंदर जितनी भी गंदगी है उसको निकाल देगा। साथ ही आपके जो आपकी बॉडी को रिकवर करने में, जब हमारा बेबी का जन्म होता है तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ऐंठन और दर्द रहता है, तो उस दर्द से भी ये अजवाइन का पानी, गर्म पानी हमें बहुत ज़्यादा आराम करता है, आराम देता है। तो आपको गर्म पानी ज़रूर पीना है। दूसरा, डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा आपको ठंडे पानी में काम नहीं करना, मीन्स पानी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना, बहुत ज़्यादा कपड़े बर्तन ये सब आपको नहीं करने। अगर कोई नहीं आपके घर में इनकेस, तब आप अपने आप ये कर सकती हैं या कोशिश करें नेट लगा लें, अदरवाइज़ आपको ही करना पड़ रहा है। तो बहुत जो ज़रूरी चीज़ें वही करें, अदरवाइज़ पानी से दूर रहें, दूरी बना कर रहें, बहुत ज़्यादा पानी में इन्वॉल्व ना रहें। इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आपको सर्दी जुकाम खांसी हो गई तो डेफिनेटली जो फीडिंग बच्चा करेगा तो उससे आपके बच्चे को भी ठंड लग सकती है। तीसरा, आपको क्या करना है कि नहाते समय भी आपको, गर्मियों में तो आप कहोगे कि मैम कैसे नहाएं, गर्मियों में तो बहुत गर्मी होती है, ऐसी सिचुएशन में आप बहुत हल्का गर्म पानी यूज़ कर सकती हैं। 40 डेज़ तो आपको ये करना ही है, 40 डेज़ तक बहुत हल्का गुनगुना पानी, उसमें आप नीम की पत्ती और अजवाइन डालकर उस पानी को आप यूज़ कर लीजिए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा। जो मसल्स हमारी लूज़ हो जाती हैं या ऐठन रहती है, बॉडी पेन जो भी रहता है, उसको ये रिकवर करने में बहुत ज़्यादा जो पानी, वार्म वाटर, बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। सर्दियों में तो आप आराम से, आपको गर्म पानी से नहाना है तो उसमें तो कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है, ठीक है। तो आपको गर्म पानी, जब भी आप नहाएं तो अपने घुटनों पर खूब अच्छे से धार बांधकर पानी डालें, जिससे कि अच्छे से सिकाई हो, क्योंकि डिलीवरी के बाद हमारी थाइज में और नीज में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, हमारे जो कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से तेज़ धार बांधकर ऐसे ऐसे आप पानी डालें तो जिससे आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिलीवरी के बाद अपनी बॉडी मसाज ज़रूर करवाएं। सवा महीने तक आपको बॉडी मसाज बहुत ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी की स्किन लूज़ हो जाती है, एकदम डल हो जाती है, काली पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा गंदी स्किन हो जाती है। साथ ही साथ मसाज से क्या होता है, हमारे जो जॉइंट्स पेन जो होने लगते हैं वो रिकवर होते हैं, वो दर्द कम होता है, हमारी स्किन एकदम टाइट हो जाती है, शाइनी हो जाती है। जहाँ तक है कि आप सवा महीने तक अपने बॉडी की मसाज ज़रूर करवाएं। आप एक मसाज वाली लगवा सकती हैं, या घर में कोई ऐसा मेम्बर है जो आपकी मसाज करे, तो आप एक सवा महीने तक अपने शरीर को मसाज ज़रूर दें। इससे आपका कमर का दर्द चला जाएगा, आपकी थाई का, नीज का, इन सब चीज़ों का जो दर्द होता है उससे आपको रिकवरी मिल जाएगी। तो आप इस चीज़ को अपील से नोट कर लें कि डिलीवरी अब अगर आपकी नहीं हुई है या होने वाली है, हो चुकी है, तो आप अपनी बॉडी मसाज ज़रूर करवाएं। मस्टर्ड ऑयल सबसे बेस्ट है, इससे अपने आप को बॉडी मसाज ज़रूर दें।
नेक्स्ट, जितना हो सकता है इन 40 डेज में कहीं भी जाना आपको अगर पड़ता है तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें, बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इन 40 डेज में या आफ्टर 2 डेज तक भी, 2 मंथ तक भी आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इन दिनों में माँ और बच्चा दोनों ही बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बहुत जल्दी कोई भी इन्फेक्शन आपको पकड़ सकता है। तो इसलिए कहीं भी ट्रैवल करना हो या कहीं आपको एक घर से किसी दूसरे घर जाना हो या कहीं भी जाना हो तो उसको अवॉइड करें, जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना लगे तब तक आप बाहर ना निकलें, अपने घर पर ही रेस्ट करें, इससे किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन आपको हो सकता है उससे आप बच जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, ट्रैवल ना करें। नेक्स्ट, जितना हो सकता है आप हल्की फुल्की व्यायाम और एक्सरसाइज करें, इनसे क्या होगा कि आपको जो भी जो डिलीवरी के समय हमारी स्किन जो लूज़ रहती है, फैट हमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली हमारे टम्मी पर जो स्किन है वो लटक जाती है, उसके लिए आप हल्के फुल्की व्यायाम और एक्सरसाइज ज़रूर करती रहें, वॉक प्रॉपर करती रहें। अपने डॉक्टर से इस चीज़ के लिए पूछ सकती है कि किस टाइप की आप वॉक या व्यायाम या एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपका जो जो बॉडी है वो एकदम शेप में आ जाए, बहुत ज़्यादा थुलथुली ना रहे। जो ज़रूरी पॉइंट है कि आप तुरंत डिलीवरी के बाद जब आपके बच्चे का जन्म हो जाए तो जो आप अंडर गारमेंट्स पहन रही हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट ना पहने, जो ब्रा पहन रही हैं वो बहुत टाइट ना हो, स्पोर्ट्स ब्रा पहन सकती हैं, मैटरनिटी ब्रा पहन सकती हैं, आप नर्सिंग ब्रा पहन सकती हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रेस्ट है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। और अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइट ब्रा पहनी या फिर कुछ भी आपने जो बेकार आपने ब्रा यूज़ किए तो उससे आपकी जो नसें दब जाएंगी और जो प्रॉपर फीडिंग बच्चे को हो पाएगी वो नहीं हो पाएगी, नसें दब जाएंगी, उससे आपके जो ग्लैंड्स बन सकती हैं और आपको बहुत दिक्कत हो सकती है अगर वो दूध प्रॉपर नहीं निकलेगा ब्रेस्ट से, तो आपको छोटी छोटी गांठें बन सकती हैं, नसों में ब्लॉकेज आ सकती है। तो बहुत कंफर्टेबल साइज़ की ब्रा ही यूज़ करें जब आप अपनी बेबी को फीड कराना स्टार्ट करती थी। नेक्स्ट है कि इन 40 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना, इवन आपको 6 मंथ तक बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, क्योंकि कम्प्लीटली इस टाइम बेबी आपकी फीड पर ही डिपेंड करता है। तो आपको जो भी खा रहे हो आप बहुत हल्का, नमक मिर्च तो नाम के लिए ही लीजिए, अदरवाइज़ उसको अवॉइड कर दीजिए। बहुत हैवी फूड नहीं खाना, क्योंकि हैवी फूड आपके बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, आपको भी कब्ज़ की दिक्कत हो सकती है। कब्ज़ अगर आपको हो गई तो प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है तो पाइल्स की भी दिक्कत हो जाती है, अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे खाना खा रही हो, बहुत ज़्यादा हैवी फूड ले रहे हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कब्ज़ ना हो तो सादा खाना लें, लाइट फूड लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, दाल दलिया खिचड़ी इस तरह की चीज़ें खाएं, जिससे कि जो दूध बने वो अच्छा बने और आपके बच्चे को वो आराम से डाइजेस्ट हो जाए। अगर आप हैवी फूड लोगे या स्पाइसी फूड लोगे तो उससे आपके बच्चे को लूज मोशन की दिक्कत हो सकती है और आपको पहले महीने में आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें, सादा खाना खाएँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा भारी सामान ना उठाएँ, कोशिश करें घर में और कोई मेंबर है उससे सामान उठवा लें, आप कोशिश ना करें। अगर घर में कोई भी सामान आपको बहुत ज़्यादा हैवी बाल्टी है या बकेट है या कुछ भी है, आप ना उसको उठाएं, क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ उठाएंगे तो हम उस पर जोर लगाएंगे तो ऐसे में हमारी जो सर्विक्स होती है बच्चेदान पर बहुत असर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम वीक होती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम कुछ पुश भी करते हैं तो वजन लगाने से वो नीचे भी खिसक आती है। तो इस चीज़ से बचें, इस चीज़ को अवॉइड करें कि बहुत ज़्यादा हैवी वजन ना उठाएं, बिल्कुल इसको स्किप कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आपके जो 40 डेज़ होती हैं तो इसमें जितना हो सकता है आप टीवी, मोबाइल, इन सब चीज़ों से दूर रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो तो इससे आपकी आइज़ पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपकी आइज़ वीक हो सकती हैं। तो कोशिश करें इन सब चीज़ों से दूर रहें, मोबाइल टीवी को बिल्कुल 40 दिन तक टच मत करना, क्योंकि ऐसे में आपको आइस की प्रॉब्लम हो सकती है और आपके बच्चा रेडिएशन में रहेगा, वो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। और क्या आपको इन 40 डेज़ में करना चाहिए, देखिए आप जब भी आप नहा रहे होते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है या सी सेक्शन होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी में जब हमारे वेजाइना में भी कुछ स्टिचेस आती हैं, कुछ टाँके आती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत करती हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को स्टीम दे सकती हैं। कैसे दे सकती हैं? आप एक टब में गर्म पानी लें और
गर्म पानी की जो स्टीम उठती है उस स्टीम को अपने जो लोअर पार्ट है यानी जो वेजाइनल एरिया है वहाँ पर उस स्टीम को दें, या फिर आप हल्के गुनगुने पानी में बैठ सकती हैं। उससे जो गर्माहट आपको मिलेगी उससे आपकी जो यूटेरस है, आपकी वेजाइना है, उसकी जो स्किन है जो लूज हो जाती है उसको टाइट होने में हेल्प मिलेगी, वो टाइट हो जाएगी। आप ये 40 डेज तक करिए, बहुत आराम मिलेगा। तो आप अपने वेजाइना को स्टीम भी दे सकती हैं, या फिर आप उस टब में बैठकर जो सेक मिलेगा गर्म पानी से तो उससे आपके जो टांके हैं वो भी जल्दी सही हो जाएंगे, और जो स्किन है वो भी जो जो हमारे जो योनि का जो पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है, खुल जाता है, उसमें भी टाइटनेस आएगी। तो ये भी आप बिल्कुल कर सकती हैं। और क्या कर सकती हैं, जितना हो सकता है गोंद के लड्डू खाएं, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं प्रेगनेंसी में। हरीरा खाएं, इससे आपको अच्छा ब्रेस्ट फीड आएगा और आपका जो भी बॉडी पेन है उसमें रिलैक्स मिलेगा, आपकी स्किन ग्लो करे जो ग्लो करेगी जो डल हो जाती है। तो गोंद के लड्डू और हरीरा ये भी आप खा सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एक लिमिट में खाएं, सर्दियों में आप खूब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोंद के लड्डू खाने से आपका जो शरीर है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है डिलीवरी के बाद, तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपकी हड्डियाँ और आपकी मसल्स मजबूत बनेंगी। और इससे एक फ़ायदा ये है कि आपको अच्छा दूध आएगा जो कि आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये ज़रूर आप करें। तो माय डियर मॉम्स, इतने सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने। एक पॉइंट और है कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, डिलीवरी के 40 डेज तक आपको अपना हेड कवर करके ज़रूर रखना है। हेड कवर करने से ये होता है कि किसी भी प्रकार की ठंडी हवा आपके शरीर में अंदर नहीं जाएगी। अगर ये हवा आपके अंदर चली जाएगी तो उससे क्या होगा कि आपको स्वेलिंग आ सकती है, आप जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ प्रेग्नेंट लेडियों को सर्दी हो चाहे गर्मी, उनका ये सर बांध ही दिया जाता है, कान ढक जाते हैं माथे तक। तो इससे से गर्मियों में भी ये चीज़ की जाती है, लेकिन देखिए ये हमारे सब सेफ्टी के लिए, हमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये सब चीज़ें होने के बाद जब हम नॉर्मल अपनी लाइफ में आएंगे तो बहुत ज़्यादा हम अपने आप को फिट एंड हेल्दी पाएंगे। ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने एक बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन हम इन सारे पॉइंट्सों को अवॉइड करेंगे या फिर हम सोचेंगे कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो डेफिनेटली आने वाले आपको 6 मंथ में ही आपको पता चल जाएगी कि आपको नीज पेन होना लग जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, आपके मसल्स में पेन होगा, आपको आइस से रिलेटेड दिक्कत होने लग जाएगी। तो ये केयर आपके लिए ही बनाई गई है, तो इनको आप फॉलो कर सकती है। 1.25 महीना या 40 दिन इनको अच्छे से आप अपने आप को सेफ रखें, जितना हो सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, इन बातों को आप माने, ये आपकी चॉइस है। तो माय डियर मॉम्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती है नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।